बंगाल की हिंसात्मक घटना से नाराज भाजपाइयों ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनने के बाद हिंसा का दौर शुरू हो गया, जहां भाजपाइयों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। वहीं आज प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर धरना प्रदर्शन का दौर भी शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार और रायबरेली में औपचारिकता पूरी करने के लिए डीएम के कार्यालय के सामने भाजपा जिलाध्यक्ष दर्जन भर भाजपाइयों के साथ धरने पर बैठ गए और ममता बनर्जी होश में आओ के नारे लगाए। अगर ममता का विरोध करना है तो दिल्ली में बैठे भाजपा के बड़े नेता बंगाल में जाकर डेरा क्यों नहीं डाल रहे? आखिर किसके भरोसे बंगाल के भाजपा कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया? यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन रायबरेली में 2 महीने में कई बार भाजपाइयों अपने प्रशासनिक अव्यवस्था के खिलाफ धरना दे चुके हैं, लेकिन वह छोटे कार्यकर्ता थे। अब प्रदेश के नेतृत्व के आह्वान पर जिलाध्यक्ष के साथ बड़े नेता धरने पर बैठे हैं। कोरोना संक्रमण के दौरान घर से निकलने वाले भाजपाइयों को भी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर निकलना पड़ा। डीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे रामदेव पाल ने बताया कि बंगाल में ममता बनर्जी लोकतंत्र की हत्या कर रही हैं। सही कहा उन्होंने, लेकिन जिस तरह से कोरोना संक्रमण के दौरान अवस्था में फैली, तो क्या प्रदेश में आम जनता के अधिकारों का हनन नहीं हो रहा? एक बड़ा सवाल है। फिलहाल ममता में जीतने के बाद जो बंगाल में किया और लोकतंत्र के खिलाफ है। जिला संवाददाता हंस श्रीवास्तव, टीवी इंडिया, रायबरेली। देखिए, बंगाल में जब से टीएमसी सरकार आई है लगातार हिंसा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे आक्रमण किया गया, कार्यकर्ताओं की हत्या किया गया, जिसके विरोध में हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बंगाल सरकार को आगाह कर रहे हैं कि ये तानाशाही आपकी बंगाल में नहीं चलने वाली है। अगर आप इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो यह आंदोलन व्यापक आंदोलन ले होगा और भारतीय जनता पार्टी इस पर जो है धरना प्रदर्शन करेगा और लंबे समय तक चलेगा। इसलिए मैं बंगाल सरकार को आग्रह करना चाहता हूँ कि वह जो ये हिंसा फैला रही है, क्या कश्मीर बनाना चाहती हैं? क्या वहाँ पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने 77 सीटें जीती हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जब 77 सीटें जीती तो ममता बनर्जी जो है उनके लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। जब से चुनाव वहाँ पर जारी हुआ, चुनाव की सूचना जारी हुई, तब से लेकर आज तक ममता बनर्जी वहाँ पर हिंसा फैला रही हैं। यह तानाशाही उनकी नहीं चलने वाली। भारतीय जनता पार्टी।